ये देखिए जिस तरह से किसान जो है बैरिकेड की गई है, ये देखिए किसान जो है काफी नाराज है, काफी नाराज है किसान, काफी नाराज है। ये तस्वीर मान रहे हैं आप, चाहते हैं मैं मार लो, मारने पे आया तो मार लो, हम तो मरेंगे, मरने आया देख लो, इतनी ये कहना, ये सारी फोर्स इसलिए है, आप खुद बताओ इसलिए ये फोर्स, हम मरना चाहते हैं, मैं मार के दिखाओ। किसको तालिबानी कह रहे हैं? पचास सरकार, मोदी सरकार तालिबानी सरकार है, ये इन्होंने तानाशाही सरकार है। देखो किसानों के साथ कितनी धक्काशाही चल रही है, ये कोई सरकार है, सरकार का काम नहीं है इतनी जनता को परेशान करना। ये आम जनता को भी परेशान हो रही है, किसान भी परेशान हो रहा है, किसानों पे लाठी चार्ज किया। ऊपर भी किसान है और नीचे भी जो है किसान है, लगातार चार से पांच बैरिकेड्स को जो है क्रॉस करके ये किसान यहाँ पहुँच चुके हैं और अंदाजा जो लगाया जा सकता था 50 से 60 हज़ार किसान है वो सड़कों पर है। लेकिन तो ये देखिए माइक लगा, हाँ ये देखिए किसान आ गए हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए बैरिकेड को खोल दिया इन्होंने, बैरिकेड को खोल दिया, ये देखिए बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, ये बैरिकेड को तोड़ रहे हैं किसान, लाठी चार्ज नहीं कर सकती है, पीछे रहो सुनो, ये देखिए किसानों ने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया है, इधर आ जाओ, ये देखिए इस तरफ से ये पार्कों के तरफ से, तो किसान जो है काफी संख्या में किसान है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, चारों तरफ से वो कॉन्फ्लिक्ट है और मेन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो रहा है। देखिए पानी की बौछार करने की कोशिश, पीछे रहिएगा, पानी की बौछार करने की कोशिश है, ये देखिए किसान जो है आगे आ गए हैं, ये देखिए बस सुना, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बैरिकेड तोड़ दिया है किसानों ने, डीसी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से कई लेयर के बैरिकेड लगाए गए हैं, बहुत ही टेंस है माहौल, ये तस्वीरें हैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, सुरक्षा कर्मियों के हाथ बंधे हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से टेंस है माहौल, किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया है, काफी संख्या में किसान जो है वो आ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ दिए, कुछ किसान आगे बढ़ गए हैं, ये देखिए कुछ किसान आगे बढ़ गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, ये देखिए तो अब इनको रोकना बहुत मुश्किल है, टेंस माहौल है, ये देखिए तस्वीरें देखिए, कहाँ तक जाना चाहती हैं आप लोग? देखिए हम शायद उस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इशारे फेंके जाते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ये नियत चेक करने की बात है तो पुलिस कमिश्नर को पहले नियत चेक करनी चाहिए थी कि मैम आप लोग क्या चाहती हैं कि पुलिस कमिश्नर सस्पेंड किया जाए या बर्खास्त किया जाए? देखिए एक महिला है, इन्होंने लीडरशिप ले रखी है, झंडा ले रखी है और ये सबसे आगे आए हैं किसान, ये देखिए बहुत टेंस माहौल है, ये तस्वीरें देखिए किसानों ने पहला लेयर का बैरिकेड भी तोड़ दिया है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, थोड़ा दूर है डीसी ऑफिस, किसान जो है मार्च कर रहे हैं,
ये तस्वीरें देखिए, तो अंबाला को पूरे देश से भले काट दिया गया हो लेकिन किसान जो है वो कुछ कर गए हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप लोग, एक बड़ी बैठक हुई थी उसके बाद किसानों ने फैसला किया। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए जिस तरह से किसान जो है बैरिकेड की गई है, ये देखिए किसान जो है काफी नाराज है, काफी नाराज है किसान, काफी नाराज है। ये तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें देखिए, काफी संख्या में किसान जो है वो कुछ कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे सीधे, और किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया है। अब तक कितने बैरिकेड मिले आप लोगों को रास्ते में, कितने बैरिकेड मिले, कितने बैरिकेड थे, कितने बैरिकेड थे, बैरिकेड को लेकर खुला रास्ता था, पूरा तनमंडन बनाया। तो ये देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ जाइए तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देखिए, किसान कुछ कर गए हैं, किसान कुछ कर गए हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए, किसानों में किसान कुछ कर गए हैं, किसान कुछ कर गए हैं, सब जोश में है, कुछ कर गए हैं। उनको पुलिस रोक नहीं पा रही है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी लेकिन वो भी नहीं रोक रही है। तो काफी संख्या में किसान है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। किसान आंदोलन 5 सितंबर को जिस तरह से मुजफ्फरनगर में भीड़ हुई थी उसके बाद से किसान आंदोलन में फिर से वही तेजी आ गई है, वही इंटेंसिटी आ गई है। किसान बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं है, और जिस तरह से करनाल में लाठीचार्ज हुआ था, किसान की शहादत हुई थी, उसके बाद से किसान और ज्यादा गुस्से में है और वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। तस्वीरें देख लीजिए, ये तमाम किसान जो है यहाँ आ रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। और आज एक पंचायत हुई थी, देखिए युवा लोग हैं, युवा लोग जो है वो ज्यादा संख्या में है, युवा काफी संख्या में है। ये तस्वीरें देखिए, तो किसानों ने लगभग बैरिकेड को जो तोड़ दिया है वो आगे कुछ कर गए हैं, और काफी संख्या में किसान थे। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और हरियाणा के करनाल में काफी टेंस है माहौल। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे कि हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो जो SDM हैं जिन्होंने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे उनकी बर्खास्तगी सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने सिर्फ ट्रांसफर किया है उसके बाद। और क्या कितने बैरिकेड थे आप लोग को रोकने के लिए? 3-4 बैरिकेड, 3-4। और कितनी संख्या है आप लोगों की? हमारी भीड़ बहुत ज्यादा संख्या है, इतनी हमने उम्मीद भी नहीं थी जितनी संख्या यहाँ आ चुकी। तो क्या सब लोग आ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सारे साथ में हैं, वो साथ में। क्या चाहते हैं आप लोग, जो आरोपी जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया जाए या बर्खास्त किया जाए? बर्खास्त किया जाए उनको, और सुबह से हम सारा दिनों का वेट कर रहे हैं कि कोई नहीं मांगे पूरी नहीं हुई। क्या बैठक के बाद क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि घेराव करेंगे, घेराव करेंगे। तो देखिए किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से बात करने गया था, वहाँ ये फैसला हुआ कि हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और भले ही पूरे करनाल को काट दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं ठप है, इंटरनेट नहीं है, पूरे करनाल को काट दिया गया है, लेकिन आप सोचिए पिछले 10 मिनट से मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी संख्या में किसान है। पुलिस की देखिए किस तरह से तैनाती है, इतने लेयर लगे हुए हैं, उसके बाद भी काफ़ी संख्या में किसान है। नौजवान बहुत ज़्यादा है इस प्रोटेस्ट में, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों की मांग है कि DC ऑफिस का घेराव किया जाए। हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या डिमांड है आप लोग? मारना चाहते हैं, हमें मार लो, मारने पे आया तो मार लो, हम तो मरेंगे, मरने आया देख लो। इतनी ये कहना, ये सारी फोर्स इसलिए है, आप खुद बताओ, इसलिए ये फोर्स, हम मरना चाहते हैं, मार के दिखाओ, मार ही लो हमें। देश कोई नया देश और मुल्क बना दो जहाँ सारे जो घटिया जो लोग हैं सब छोड़ के भाग जाए, हम नहीं रहना चाहते। हम क्या लोग, हम अपनी जमीनें बेच के जा रहे हैं, हम अपनी जमीनें बेच के विदेशों में जा रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने पहले हरियाणा पंजाब बांटा, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग किया, ये वही गुजरात वाले बंदे हैं, इनके ये इनको सिर्फ पैसा, ये कुछ नहीं चाहिए, वही लोग हैं जो आज हमें फिर बांधना चाहते हैं, हमें आतंकवादी कहते हैं, हमने अपने परिवार हजारों
खट्टर सरकार से क्या चाहते हैं? आप देश के हिस्सा हैं। आपको क्यों लगता है कि आप देश के हिस्सा नहीं है? किसकी सरकार है? खट्टर की सरकार। आप इस देश के हिस्सा हैं सर, कौन कह रहा है कि आप देश से बाहर जाइए? हम देश का हिस्सा हो गए, मैं मानता हूँ। ये उठाओ ना सारा सिस्टम, ये नाम किसान देश चला रहा है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये नाम लश्कर लेगा, कौन देश चला रहा है? किसान चला रहा है, किसान खाना पेट भर रहा है। जो पैसे चाहे भी मोल के खरीद के दो बेचता था, अफगानिस्तान के साथ करी जितना जो भारत सरकार, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री खच्चर है, जो जितना किसानों के साथ दुर्व्यवहार करी है मोदी सरकार, इतना तो तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, जो हमारे साथ किसानों के साथ जो बीजेपी सरकार करी है वो किसानों के साथ हो रहा है। इन्होंने किसान को एक आतंकवादी खालिस्तानी समझ रखा है। एक किसान को आप लोग की ताकत है, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? जो करनाल में लाठी चार्ज हुआ था उसमें क्या चाहते हैं आप? इन्होंने हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, और जो किसानों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है हमारे किसान भाइयों के साथ, इन्होंने जो इस चीज के विरोध में आज किसान खड़े हैं। तो देखिए, काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है, तनाव में है, किसानों की मौत हो चुकी है, 600 किसान शहीद हुए हैं। नाराजगी है, गुस्सा है किसानों में, 600 किसान। भारत में डेमोक्रेसी है, एक प्रक्रिया है, सबको आजादी है धरना प्रदर्शन करने की। उसके बाद भी अपने ही देश में सड़कों पर लगातार 9 महीने से किसान है, युवा लोग हैं साथ में, आप क्या कहेंगे भाई साहब? रद्द करना चाहिए। तो देखिए, रद्द करना चाहिए। ये तस्वीरें हैं, तो काफी संख्या में युवा किसान जो है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे आपको। और थैंक यू। किसको तालिबानी कह रहे हैं? खट्टर सरकार, मोदी सरकार तालिबानी सरकार है। ये इन्होंने तानाशाही सरकार है। देखो किसानों के साथ कितनी धक्काशाही चल रही है। ये कोई सरकार का काम नहीं है इतनी जनता को परेशान करना। ये आम जनता को भी परेशान हो रही है, किसान भी परेशान हो रहा है। किसानों पे लाठी चार्ज किया, तब लाठी चार्ज किया, और अब किसानों के छोटे आज कितने बैरिकेड तोड़ के आए आप लोग? अभी कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा, आज पहला बैरिकेड अभी तोड़ा है। कोई बैरिकेड नहीं, तो हमने अपने आप रास्ता में आगे बहुत बैरिकेडिंग है। कोई बात नहीं, हम अब तक सारे बैरिकेड पिछले तोड़ के आगे भी तोड़ लेंगे। दिल्ली जाने के लिए बड़े ने जोर लगाया है, किसान के लिए कोई बैरिकेड मायने नहीं रखा। क्या चाहते हैं आप लोग अब इस मामले में? जो लाठी चार्ज चाहते हैं, जिस SDM ने ये घिनौना काम किया उसको अरेस्ट करो। क्या सरकार बचा रही है? हाँ बिल्कुल, DC भी बचा रहे हैं, SD भी बचा रहे हैं, खट्टर का और क्या नाम है दूसरे चोटा लगा हाथ है सिर पे, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं होता, हमारे साथ सरकार है। लेकिन किसान की कोई मांग तो मन नहीं रहे, वैसे गोली चला रहे हैं सरकार। हाथ चला लो, जितने चला रहे सारे को अरेस्ट कर लो। हमें अभी पता चलेगा, अभी अभी संख्या आपकी, हमारी संख्या गिनती से बाहर, अभी गिनती से बाहर है, देखते हैं। लेकिन आप जैसे लोग कितनी संख्या बताते हो? कितनी संख्या बताते? तो बड़ा टेंस है, माहौल टेंस है, और काफी आप लोग डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। देखिए किसान नेता क्या क्या डिमांड है आप लोग की? आप लाठीचार्ज में क्या चाहते हैं? डिमांड हमारी ये है, एक तो जो SDM जिसने सिर फोड़ने के आदेश दिए सिन्हा के खिलाफ हम पर्चा दर्ज चाहते हैं, उसके खिलाफ हम टर्मिनेशन चाहते हैं, उसको जेल में बंद देखना चाहते हैं। जो पुलिस कर्मी जिन्होंने लठ मारे, घेराव करेंगे, वहाँ फैसला हुआ कि हम घेराव करेंगे, और किसान उसके बाद कुछ कर रहे हैं। देखिए तो मीडिया के खिलाफ भी काफी गुस्सा है, मीडिया के खिलाफ भी पूरी गुस्सा है। तो देखिए तमाम किसान जो है वो कुछ कर गए हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए, किसान जो है वो कुछ कर गए हैं, और वो जिस तरह से एक किसान पर लाठी चार्ज हुआ था, एक किसान की मौत हुई थी, वो वीडियो वायरल हुआ था SDM का, कि किस तरह से वो कह रहे थे कि सर फाड़ देना। उसके बाद आप देखिए किस तरह से बैरिकेटिंग के बाद, आपको ये दिखाते हैं, आइए सर, बैरिकेटिंग के बाद भी किसान जो है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने बैरिकेटिंग तोड़ दी है,
और काफ़ी संख्या में जो किसान है वो कुछ कर रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े डंपर लगाए गए थे, वाटर कैनन का इंतजाम था, उसके बाद भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं, उनको रास्ता खोल दिया गया है और वो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लाठी चार्ज हुआ था, ये देखिए अब वहाँ इसी तरह का अभी भी टेंस का माहौल बना हुआ है, ये देखिए टेंस बना हुआ है, अभी भी टेंस बना हुआ है, माहौल टेंस है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे किसान आंदोलन से, करनाल का ये किसान आंदोलन है, ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आपको, टेंस है पूरा माहौल, किसान लगातार बैरिकेड तोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप। तो एक रास्ता खोल दिया गया है कि आप जा सकते हैं, और किसान जो है वो डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं, करनाल डीसी ऑफिस की तरफ। ये पूरा मामला जो है वो एक एसडीएम साहब का जो वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि सर फोड़ देना, उसके बाद एक किसान की मौत होती है, कुछ किसान इंजर्ड होते हैं, उसके बाद से किसान चाह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई हो, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई हो। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए काफ़ी संख्या में किसान हैं, काफ़ी संख्या में पंचायत कॉल की गई थी करनाल में, ये देखिए तो बैरिकेड लगा हुआ था, चार पांच प्लेयर के बैरिकेड थे, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ आपको करनाल से, और करनाल को फिलहाल देश से काट दिया गया है, देखिए बुजुर्ग हैं, नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये एक 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 जो किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी बात है, नौजवानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, नौजवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी संख्या में नौजवान पुलिस नौजवान हैं और बुज़ुर्ग हैं, ये संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, ये तस्वीरें देखिए, सीधा तस्वीरें दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ से ऐसे बहुत टेंस है, माहौल बहुत टेंस है, पुलिस कर्मचारी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।